नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिटकरी का चमत्कारी का प्रयोग बताऊंगा। यह वीडियो ध्यान से देखना, इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारे जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आप बाद में चल करके पछताएंगे कि क्यों मैंने फिटकरी का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि जो फिटकरी है ये सब प्राय हमारे घर में होते हैं। क्योंकि जो फिटकरी है इसके अंदर बहुत ज्यादा चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, चमत्कारी गुण पाई जाती हैं। इसलिए हम वीडियो के पहले ही बोले हैं कि वीडियो को ध्यान से देखना। जो फिटकरी है ये नकारात्मक शक्ति को समाप्त करने में बहुत ही गुणकारी है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के वास्तु संबंधी जानकारी, इस प्रकार के धर्म संबंधी जानकारी, टोने टोटके की जानकारी आपको भी प्राप्त हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में प्राचीन ग्रंथों की जानकारी, धर्म संबंधी जानकारी एवं टोने टोटके की सबसे सरल आसान विधि सिखाए जाते हैं, जिससे आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपकी दैनिक स्थिति जो खराब चल रही है वह ठीक हो जाए। तो दोस्तों, जो फिटकरी है ना ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होता है। तो आपको करना क्या है, आपको मार्केट से साफ एवं स्वच्छ अच्छे क्वालिटी का फिटकरी लाना है और इसका आपको प्रयोग करना है। 4 से 5 प्रयोग बता रहा हूँ। प्रयोग अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, इस प्रयोग को अपना लेना, आपकी गरीबी निर्धनता मिटेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे घर में नकारात्मक शक्ति कब आती है, हम कब निर्धन बनते हैं, तो जब कोई बुरी नज़र वाले हमारे घर में आ जाएं या बुरी नज़र वाले का हाय लग जाएं तो हमारे घर निर्धन होते चले जाते हैं। तो बुरी नज़र वालों की बुरी नज़र से, इनके हाय बद्दुआ से कैसे बचें, तो फिटकरी को पैरदान के नीचे में रखें। जो फिटकरी है ये नकारात्मक शक्ति को खींचता है। कोई भी बुरी नज़र वाले आपके घर में आएंगे, किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा करेंगे, आप पैरदान के नीचे में फिटकरी रखेंगे तो फिटकरी उसे खींच लेंगे, अपने अंदर में समाहित कर लेंगे। राहु केतु जो भी व्यक्ति गलत भावना से आपके घर में आएंगे, अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे, सारे शक्तियों को फिटकरी अपने अंदर में खींच लेता है। खासकर पैरदान के नीचे में रखें, क्योंकि हर व्यक्ति किस भाव से आ रहे हमें पता नहीं चलता और पैरदान को लांग करके हर व्यक्ति जाएंगे। तो आप पैरदान के नीचे में छोटा सा फिटकरी रख दीजिए और इसे कोई ना जाने, इसके बारे में किसी को पता ना चले। दूसरा, फिटकरी आप अपने शौचालय में रख सकते हैं, क्योंकि गलत स्थान पर ही निगेटिव चीज अपना अटैक करती है। निगेटिव चीज हमेशा अपने पावर दिखाती है, आपको नुकसान पहुंचाती है। अच्छे जगह पे तो कभी भी निगेटिव चीज नहीं आ पाते, जैसे मंदिर वहां पे कभी नहीं आते, घर में कभी नहीं आते। तो शौचालय में सर्वप्रथम जो फिटकरी है ये व्यक्ति पर ज्यादा अटैक करती है और अधिक चांस रहते हैं कि व्यक्ति के ऐसे समय में बर्बादी हो। तो शौचालय में छोटा सा फिटकरी रखने से ये नकारात्मक शक्ति को नाश करता है, आपको कभी भी शक्ति का प्रभाव में नहीं आने देंगे, हमेशा बचा करके रखेंगे। तीसरा, फिटकरी पूजन स्थान पर रख सकते हैं, इससे लक्ष्मी कृपा प्राप्त होता है, आप धनवान बने रहेंगे। और छोटा सा फिटकरी आप अपने पर्स में हमेशा रखते हैं, तो यकीनन माने जब भी आप यात्रा के दौरान छोटा सा फिटकरी रख करके जाते हैं तो कभी भी आपको दुर्घटना नहीं होंगे। फिटकरी छोटे से आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपको हमेशा नकारात्मक शक्ति से बचाएंगे, आपको धन दौलत से भरपूर बनाए रखने का काम करेंगे और आप जहाँ भी जाइए आपको सफलता मिलेंगे। तो ये थे फिटकरी की कुछ चमत्कारिक प्रयोग।